वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आपकी सेहत के हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं, और सुबह सुबह आपकी एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, योगा कितना जरूरी है, ये तो सलाफे नकवी से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। वेलकम टू द शो सलाफे, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप बताया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। अच्छा जनाब, सलाफे तो मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, सलाफे आज ढेर सारी टिप्स देने वाली हैं हमें कि किस तरह से आपने योगा करना है, ओबेसिटी कम करनी है, उसके साथ साथ जो एसिडिटी की शिकायत बहुत सारे लोगों को होती है वो किस तरह से योगा के जरिए उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ म्यूजिक की बात भी हम करेंगे, तो उमी रैपो ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो। उमी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपका सिंगिंग करियर कब से शुरू हुआ? 2011 में एक शो आता है लिविंग ऑन द एज, ठीक है, उसका मैंने टाइटल सॉन्ग बनाया था। आफ्टर दैट फिर उसके अलावा बहुत सारे सॉन्ग बनाए, फिर भोली अवाम और बहुत सारे गाने। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग इन 2011 फॉर लिविंग ऑन द एज, इट वाज लाइक अ वेरी फेमस शो एट दैट टाइम। तो उसके लिए मैंने पहला गाना बनाया था, उसके बाद फिर मैंने गाना बनाया था रोटी कपड़ा और मकान, तो वो बड़ा फेमस हुआ था एज एन रैप ऑडियंस वगैरह में, क्योंकि वो आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। जरूर जरूर हम आपसे सुनेंगे। सलाफे, आज आप हमें किस तरह की टिप्स बताने वाले हैं योगा के हवाले से? आज कुछ थोड़ी सी शुरू में भी टिप्स दे देते हैं, उसके बाद एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैंने यहाँ तक एक चीज देखी, विंटर्स में भी स्टमक नोजिया बहुत सारे लोगों को हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस वजह से भी वो सही तरह से कोई चीज खा नहीं पा रहे होते और एक्सरसाइज भी करने का दिल नहीं होता, तो आज कुछ आसन इस तरह के होंगे जो आपके साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेंगे, आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करेंगे। लेकिन हर चीज से पहले एक चीज बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कुछ शो से बार बार एक चीज रिपीट करी क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ कि बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा है। हमारा मकसद यहाँ पर एक्सरसाइज बताने का होता है, आपको एजुकेट करना इस बारे में कि आपका सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। इवन आप अगर मोटे भी हैं लेकिन आप हेल्दी अपनी फिट लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है, क्योंकि हेल्दी होना कोई जुर्म नहीं है, मोटा होना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, अगर आप उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उसको सही करना है, ना कि आप इस बात पे फोकस करें कि आपके लुक्स भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये नहीं देखते क्योंकि उनको कहा जाता है ना ये सब, तो वो लुक्स भी अपनी फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं उनके लिए और फिर ढांचा बन जाएंगे। ट्रस्ट मी, जो आप लोग टीवी पर देख कर जिन लोगों को आइडियलाइज करते हैं कि ये बहुत पतले हैं या ये बहुत स्किनी नजर आते हैं, वो उसके लिए बेतहाशा जतन करते हैं, और जब आप उनको एक्सरसाइज और ये सारी चीजें करते देखेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। तो बेहतर है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। और इवन मैं खुद भी कहती हूँ कि अगर आप हमारा मेकअप, हमारे बाल देखकर बहुत फैंटेसाइज होते हैं, तो ट्रस्ट मी हम बहुत मेहनत करते हैं इस पर। जब आप अगर लाइव हमारे बालों का हाल देखेंगे तो आप शुक्र करेंगे कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं। इसी बात को ज्वाइन करूंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि जहाँ आपने एक्सरसाइज की बात की, इस चीज को, इस अपेयरेंस को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम एक घंटा एक्सरसाइज चाहिए होती है या आधा घंटा ऐसी एक्सरसाइज की जिसके बाद आपको लगे कि बस आप कोई काम नहीं कर सकते, तो ये इतनी मेहनत दरकार है। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी आज। आप उधर जा रही है, मैं अपने प्रोड्यूसर का जरा बता दो। अच्छा आप कह रहे हैं कि आप बगैर मेकअप के ना हमसे हमारी होस्ट भी नहीं पहचानी जाती, मतलब इतनी भी कोई, हालांकि ऐसे नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ जोक एक्चुअली, ऐसा नहीं है जोक। कुछ लोग जी, कुछ लोग नेचुरली इतने प्यारे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सड़िया ना करो, हम ज्यादा मेकअप नहीं करते। अच्छा खैर, तो सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं एसिडिटी के लिए कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि योगा एक ब्यूटीफुल आर्ट इस तरह से है कि आपकी हर चीज जो आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो पेनिट्रेट उसमें होते हैं इसके आसन, राइट। आपने क्या करना है, बिहाइंड अपने, ठीक है, आप अपने पीछे हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे, इसे योग मुद्रा कहते हैं। आपने ये किया कि अपने हाथों को इस तरह लॉक किया, इनहेल किया, और अपने जो शोल्डर्स हैं उनको बिल्कुल आप सीधा रखेंगे। सो आपने इनहेल किया, याद रहे ये एसिडिटी के लिए बता रहे, एक्सहेल करते हुए आप अपने एक नी की तरफ गए। अब यहाँ कुछ देर आपने सांस नहीं लेना, ठीक है, ये आप एसिडिटी के लिए बता रही हैं। इनहेल किया, अब दोबारा एक्सहेल। अब इसमें क्या हो रहा है वो साथ ही साथ बताना जरूरी है। ये चीज जो मैंने आपको बताई, ये एक साइकिल है, एक साइकिल जब आप ये कर लेंगे तो आपने तकरीबन 10 से 12 साइकिल एक टाइम में इसकी करनी है। जैसे आप इसको कर रहे होगे आपको फील होगा कि आपका एक तो बेली फैट चला जाएगा, एसिडिटी वालों को ये भी इशू होता है, बेली फैट साथ ही कवर हो रहा है। अब हम जो चूंकि साइड पर जा रहे हैं तो आपके जो साइड एरियाज है वो भी कवर होंगे और आपकी जो एसिडिटी का इशू है वो कम हो जाएगा। अब एक जो इसी को कंटिन्यू करते हुए एक एक्सरसाइज में बताऊंगी, नाम इसके बहुत इंटरेस्टिंग से होते हैं, इसे कहते हैं पवन मुक्त।
पवन मुक्त, ये तो इंडियन नाम लग रहा है। तो ये यस, क्योंकि योग जो ज्यादातर जो है उन लोगों ने अडॉप्ट किया था, वैसे उसका इतना ताल्लुक नहीं लेकिन उन्होंने अडॉप्ट किया था। अच्छा, इसमें क्या होगा, आप अपनी लेग को सिर्फ स्ट्रेच करेंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे, राइट। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको कुछ देर के लिए यहाँ पर रखा, अब दूसरी लेग पर आप स्विच करके चाहें तो इसको स्ट्रेट रखें या अपनी ईज के लिए यहाँ पर। लेकिन एक चीज याद रहे, हाँ। अगर आपको नी का प्रॉब्लम है, हाँ। तो आपने यहाँ से अपने हाथ को ज्वाइन करना है, इस पर प्रेशर नहीं डालना, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसको जब ज्वाइन करोगे, जो मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रही थी, आपने दोनों लेग्स को इस तरह रखा, लेकिन एक चीज याद रहे, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है तब आप इसको सिर्फ सिंगल लेग से करेंगे, ठीक है, ठीक है। दोनों लेग्स के साथ आप नहीं करेंगे, दोनों लेग्स के साथ इसलिए नहीं करेंगे कि वो प्रेशर आएगा आप पर और उसका फिर आपको इश्यू होने शुरू हो जाएगा और वहां पर आपकी हार्ट बीट तेज होगी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू ज्यादा रहता है तो याद रखें, हम पहले भी इस चीज को बता चुके, एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं कि आपका जो बॉल ऑफ द फुट होता है उसके बिल्कुल सामने, जो उससे ऑपोजिट जो जगह होती है, जो आपकी छोटी जो आपकी उंगली होती है उससे नीचे, उसको आप प्रेस करते रहो, ठीक है, ठीक है। तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो आपका कम, हाँ, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर ना आप याद रखें, डाउन करते हैं बीपी, वो बीपी तो सबको होता है, हाँ। मतलब बीपी ब्लड प्रेशर तो सब में है, हम हाई और हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, तो हाई ब्लड प्रेशर जिनको है वो उनका लोअर हो लो हो जाएगा, ठीक हो गया। सुलाफे हमें बड़ी जबरदस्त टिप्स बता रही है, लेकिन हमारे सिंगर भी मौजूद है। सुलाफे में चाहूंगी आप इस तरफ आ जाए, सिंगर को वो वाली जगह दे, और ये हमें क्या सुनाने वाले हैं? जी, मेरा जो पहला गाना है रोटी कपड़ा और मकान, ये मैंने 2011 में लिखा था, मगर अभी भी हालात तकरीबन वैसे ही हैं, ठीक हो गया। तो हाँ, आप सुनेंगे तो आपको रोटी कपड़ा चेंज हो जाएंगे, इंशाल्लाह चेंज होने चाहिए। चले जी, ये आपकी जगह हुई, आप प्लीज हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। कोई सवाल से रल के नंगे पाइए हने देखो देखो तुसी पाकिस्तान पसीने दी साड़ी कमाई कितने जांदी अज तक सानू समझ नहीं आई सानू चाहिदा 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 इंसाफ वे किन्ने कोल मंगिए हुण दसो जज साहब रिश्वत सिफारिश दी लग गई वे छाप जलजला सलाब बन के आंदा अजाब मरे होए नू मारना इत्थे सवाब इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब है तेरा खाब रोटी कपड़ा मकान देखो भूखी मर गई अवाम फरौनियत तेरा काम तमाम जाबिर अमर ते सियासतदान रोटी कपड़ा मकान देखो भूखी मर गई अवाम फरौनियत तेरा काम तमाम जाबिर अमर ते सियासतदान चोट के इलेक्शन तो पहले देखो सारे ने नेक एन आर ओ दे गुलाम जमीर एना दा हो गया वे नीलाम हिंदुस्तान ने होने की दे सुटना बम साडे अपने ही मुल्क विच छिड़ गई जंग देखो बिखरिया ने लाशा बिखरे खून दे रंग वे मैं भी पाकिस्तानी रे तू भी पाकिस्तानी बलोचियां पठाना नाल हुंदी बेमानी एक पासे वे सबको दूजे पासे वीरानी वे क्यों चलनी अमेरिका दी मनमानी भीख मंग के वे कदी कोई बने अमीर पैड़ी नीयत दे नाल नी बदले तकदीर रोटी कपड़ा मकान वेखो भूखी मर गई अवाम फरौनियत तेरा काम तमाम जाबिर अमर ते सियासतदान रोटी कपड़ा मकान वेखो भूखी मर गई अवाम फरौनियत तेरा काम तमाम जाबिर अमर ते सियासतदान हंगामा हंगामा मैं वेखा टोपी ड्रामा जिन्नू जग अज कल सारा कहंदा खबरनामा लाजबाज वेखो करके तनकीद किने करे एक दूजे दी मिट्टी पलीत अपनी नजर च गिर के समझदे होगी जी किने दुद्ध दा दुद्ध लिया मैं भी जानना वे ठीक जाली डिग्री लो ते पाओ एमएनए दी सीट इवें लाई दा वे चेक जरा एना कोनो सीख हुण वकाई वे आईना ते कहंदे बदतमीज ए गल ना करी तू मीडिया च लीक ला दो मेरे ते बैन मैं क्यों करा जुल्म सैन वे लोगों अपने ते खाओ वे रैम आदि
खुदा दे वास्ते वे बदलो अपनी सोच तंग याद नहीं है रब दा फरमान जेहो जी अवाम ओहो जे वे हुक्मरान रोटी कपड़ा मकान देखो भुखी मर गई अवाम फरोनी है तेरा काम तमाम जाबिर अमर ते सियासदान रोटी कपड़ा मकान देखो भुखी मर गई अवाम फरोनी है तेरा काम तमाम जाबिर अमर ते सियासदान जबरदस्त वेरी इम्प्रेसिव. अच्छा मैंने सॉरी मैंने गाना नहीं सुना हुआ था. ये आपका रैप बड़ा जबरदस्त है. ये तो आपने 2011 में आप बता रहे हैं तो ये तो तब के हालात भी थे और अब के हालात भी यही है. मतलब 5 सालों में कुछ अमर हो गई ये बात मैंने लिख दी. एक चीज पूछनी है ये जो रैपर होते हैं फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे लाइव सुना है का मतलब सांस पे बड़ा कमांड है भाई. सांस पे इतना कंट्रोल है. अच्छा ये लिखा आपने खुद था? जी खुद लिखा था. वो तो आप तो मुझे लगता है बड़े दुखी थे उस टाइम जब आपने लिखा होगा. असल में आप बड़े तंग होंगे. मैंने अपना आपको पता जब भी कोई आर्टिस्ट अपना कैरियर लॉन्च करता तो वो एक कमर्शियल सॉन्ग बनाता है. नो डाउट ऐसे ठीक है. बट एट दैट टाइम जो उस वक्त हालात थे मेरा कमर्शियल सॉन्ग जब आप दिमागी तौर पे सुकून में होंगे तो कमर्शियल सॉन्ग बनाएंगे ना. तो मेरे दिमाग में जो था ना बस यही चल रहा था उस वक्त जो हालात थे जो उस वक्त की जो ये चीजें थी. तो मैंने कहा पहले तो जो बात दिल में है वही करनी चाहिए ना. 2011 से देख रहे 2019 आ गया. हालात नहीं बदले गाने वाने सब बदल गए लेकिन ये नहीं बदला. अच्छा बहुत जबरदस्त वेरी इम्प्रेसिव. मैं वैसे आइडली ये कहती हूँ कि अगर आप योगा कोई एक्सरसाइज इंटेंस वर्कआउट खुदा का वास्ता यूट्यूब देख कर ना करें. उससे आपको नई अंदाजा टेक्निक्स थोड़े प्रेशर पॉइंट बड़े डिफरेंट होते हैं. मतलब ये आप देखें क्योंकि अक्सर मैंने एक मेरी एक दोस्त थी वो माशाल्लाह यूट्यूब पर देखकर सही एक्सरसाइज करती थी और उन्होंने लिटरली अपने डेस्क खिला ली थी. वो इंटेंस वर्कआउट करना शुरू हो गई यूट्यूब की वीडियोस. जब तक आपके पास कोई प्रॉपर ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर नहीं है. वीडियोस पर आप बिल्कुल रिलाय ना करें. जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज खिलाफ है आपको गाइड कर रही है आपको बता रही है कि अगर ब्लड प्रेशर है शुगर है या किस तरह के मिसाइल आपने किस तरह से करना है तो ये गाइडेंस के साथ करना बहुत जरूरी है. वो गाइडेंस के साथ सुपरविजन होना बड़ी जरूरी है. इवन एक चीज और क्लियर करते जाए कि आप जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत सारी इंसान की जो हम एनर्जी सेंटर की बात करते हैं वो एनर्जी ज्यादा होना शुरू हो जाती है. उसको कंट्रोल करना वो सिर्फ एक मास्टर का काम होता है. तो आप ये याद रखें खुद से हर चीज शुरू करें. हम आपको सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया पर जो चीज आप देखें वो आप करना शुरू कर दें वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. अच्छा अब एक जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम आपको बताते चले. बात हो रही थी हार्ट की बात होती है एसिडिटी की तो एसिडिटी हो या ऐसा कुछ हो आपने क्या किया आपने अपना हाथ यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है वो आपने अपने हार्ट पर रखा और आपका जो राइट हैंड है आपने अपने पेट पर रखा. अब आप क्या करोगे जब आप इनहेल करोगे तो आपका पेट बाहर को आएगा जैसा हम बताते हैं. तो आपने इसको फील करना है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आप इसको फील करें. इनहेल किया अब पता नहीं चलेगा तो पेट आपका बाहर को आएगा. एक्सहेल फुल इसको स्क्वीज करें अपने इन मसल्स को ताकि इनको आदत पड़े स्क्वीज रहने की और आपके जो स्किन है वो सैग ना करे. अगेन इनहेल ये कितना करना है सुलाफे हमने एक्सहेल 2 मिनट्स के लिए. मैं सुपरविजन की जब बात हम करते हैं तो 2 मिनट से ज्यादा आप कभी ना करो जब सुपरविजन किसी की ना हो. ठीक हो गया. कि आपको कोई क्या होता है ब्रेन फ्रिक्वेंसी आपकी लो हो जाती है बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप अल्फा पर चले जाते हो तो वहां से किसी को कई दफा कुछ लोग बहुत डीप सब्जेक्ट होते हैं तो वो बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं तो इसलिए फिर उनको टैप करना या जो सामने कोई एक्सपर्ट हो तो वो उनको बता सके. थैंक यू वेरी मच सुलाफे बहुत शुक्रिया जनाब. और हमने आज कोशिश की कि आपको आपकी स्किन आपकी हेल्थ आपकी न्यूट्रिशन हर हवाले से गाइडेंस दी जाए प्रॉपरली ताकि जुम्मा जो है आपका वो बहुत अच्छा गुजर जाए और आगाज अच्छा. जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल और आप हमें फीडबैक दे सकते हैं. हमारा पेज है जागो लाहौर का फेसबुक पर वहां जाएं. हमारी टीम कॉन्स्टेंटली उस पर एक्टिव होती है. कोई मैसेज देना चाहते हैं कोई बात करना चाहते हैं वो आप वहां पर कर सकते हैं. और इसके अलावा आज का शो अगर आपने मिस कर दिया है तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होगा. कल तक के लिए हम आपसे इजाजत ले रहे हैं लेकिन हमारे पास सिंगर मौजूद है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई ट्रैक सुनाए. तो सुलाफे आप इधर आ जाओ. थैंक यू. OMI अवाम को जगाए मगर ये सोने से बाज ही न आए. गोली अवाम ये है गोली अवाम इसे गोली कराना है बड़ा अशोक. गोली अवाम ये है गोली अवाम इसे गोली कराना है बड़ा आसान. प्यार से मांगोगे तो दे देंगे जान. अरे बड़ी
मकान जे हो जी अवाम ओ हो जे वे हुक्मरान मेरी एक एक गल सच्ची हो गई पाई जान पहले सेर उन सवा सेर है हुक्मरान जेड़ा महंगाई नाल जी पार करेगा इंसान इंकलाब ने वे बेस्ती कराई कारोबार तबा अवाम नू दिती रुसवाई ने बेगुना की जिंदगी में दाव ते लगाई एक धांधली रोना मुका के पाले में चे आई तुझी कैनेडा शरीफ वापिस शरीफ लाई लंदन वाले भाई की देखो शामक आई शुक्र है कराची को अमन की सांस आई बोली अवाम ये है बोली अवाम इसे गोली कराना है बड़ा आसान बोली अवाम ये है बोली अवाम इसे गोली कराना है बड़ा आसान प्यार से मांगो मैं तो दे देंगे जान अरे बड़ी इमोशनल है ये अवाम प्यार से मांगो मैं तो दे देंगे जान अरे बड़ी इमोशनल है ये अवाम ईमानदारी दिखाओगे तो जान से जाओगे रेंटल केस करप्शन कैसे छुपाओगे हर साल इधर आता है सैलाब फिर क्यों है कहत साली और पानी है नयाब हम सारे स्कैम बनाते ये हमें लड़वाते मरने वालों के साथ फोटो सेशन भी करवाते नस्ल कौम फिके की डाल के तफरीक अपनी दुकान चमकाते हैं ये जहरी मरीज किसी जमात पे अब नहीं एतमाद तब्दीली में दूसरी जमातों का कूड़ा कपाट इंकलाब मुरीदों को करा गया है हार पतंग शेर पीर का जिक्र भी है फसूल आखिर कब तक हमारी आंखों में झोंकोगे धूल Emotional hey, yeah, I'm a man.